हेलो। हेलो हेलो। हाँ तो हेलो। हेलो 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 पूजा कुमारी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, पूजा कुमारी आवाज आ रही है कि नहीं? यस ओके, क्लियर आ रही है ना? तो जस्ट एक 2 मिनट वेट कर लेते हैं, तो स्टूडेंट जो भी ज्वाइन करवा लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कल नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था ना? रही है। यस सर, बहुत हो रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था आवाज। नेटवर्क का ही प्रॉब्लम हो रहा था, देखते 1 मिनट वेट कर लेते हैं, कर देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम। ओके सर। ओके, ओके। तो थोड़ा सा हम लोग कल वाला क्लास जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल जो भी डिस्कस किए थे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग कल डिस्कस क्या किए थे, जो भी आएगा उसको हम लोग ज्वाइन करवाएंगे फिर बाद में।
बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल एंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल ना, तो सिग्नल को डिफाइन किए थे, सिस्टम को डिफाइन किए थे एंड स्टार्ट किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। तो जस्ट हम लोग फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर लेते हैं जस्ट क्या हम लोग डिस्कस करें सिग्नल। तो सिग्नल एक्चुअली क्या होता है, किसी फिजिकल फेनोमेनन का वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और उस सिग्नल को हम लोग वन प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफॉर्म करते हैं। नहीं, जस्ट सिग्नल इज डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नेचर ऑफ द फिजिकल फेनोमेनन। किसी भी फिजिकल फेनोमेनन का वो नेचर को एक्सप्रेस करता है। फाइन, इसमें फर्स्ट वन हम लोग क्या डिफाइन किए थे कि वन डायमेंशनल सिग्नल टू डायमेंशनल सिग्नल। तो वन डायमेंशनल सिग्नल का एग्जाम्पल हम लोग क्या दिए थे, स्पीच सिग्नल, एंड टू डायमेंशनल का हम लोग एग्जाम्पल क्या दिए थे, इमेज। ओके, दैट मीन्स द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज आर द टू डायमेंशनल। नाउ फर्दर वी हैव डिफाइंड दिस सिस्टम। सो सिस्टम इज नथिंग बट एज ए एंटिटी दैट मैनिपुलेट वन और मोर सिग्नल एकॉम्प्लिश ए फंक्शन। दैट मीन्स एक किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन को किसी कंटेन करता है यदि सिस्टम, और उसके बाद यदि हम लोग जो बेसिक इंफॉर्मेशन उसको हम लोग इनपुट देते हैं उससे नया वो क्या करता है, सिग्नल क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज द सिस्टम। ओके, सो देयर ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन वी हैव जस्ट शोन इन द प्रीवियस क्लास, दैट मीन्स लास्ट क्लास। यू हैव टू जस्ट इनपुट गिवन टू ए पार्टिकुलर सिस्टम एंड दैट सिस्टम provide to you output signal. Okay, so this is the block representation of the input signal system and output signal in a communication. Just last we have to, and after that their communication maybe different component contains, that means signal transmitter and channel receiver. After that when you receive any particular signal through a receiver, that you will get the transmitted signal. So this is the particular block diagram representation of the various component of the system and input signal and output signal. Okay, different type of component contains in the system, and here you have to just provide the input signal, and through the system you will get the transmitted signal or receiver signal. Okay, so नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्क्राइब किए थे, तो जस्ट हम लोग इसको जस्ट हाउ वी कैन रियल सिग्नल रिप्रेजेंट और कॉम्प्लेक्स सिग्नल में भी रिप्रेजेंट। रियल सिग्नल इज जस्ट सिंपली कंटेन्स द रियल क्वांटिटी। ओके, दैट डज नॉट कंटेन्स एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय हियर जे। ओके, सो वन रियल सिग्नल आई हैव शोन हियर, one real signal I have shown here, that means xt equal to a sin omega t, and one complex signal, so that is nothing but xt equal to contains a complex quantity, that means a e to the power j 3 pi t, so that will be represented in trigonometrical form a cos 3 pi t plus a sin 3 pi t. So this is the representation of a signal. Okay, and one dimensional, two dimensional I have already explained in earlier part, so I am not going to again explain this one. Next one, this one I have described in the last class, continuous time signal. I think this one described in the previous class, continuous time signal described kiya tha na. To continuous time signal kya hota hai, koi bhi signal ko hum log continuous ka bolenge, that means any particular signal xt, that means whole time of t के लिए वो डिफाइंड हो, नहीं कंटिन्यूअस मतलब लगातार, दैट मींस कोई भी सिग्नल यदि एक्स टी से हम लोग रिप्रेजेंट करें तो वो जो t से रिप्रेजेंट करें वो पूरा t के लिए फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, दैट इज नोन एज द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ओके, सो एक्स टी इज सेड टू बी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इफ द एक्स टी इज डिफाइंड फॉर ऑल टाइम ऑफ टी। सो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट एक्स टी इक्वल टू, सपोज दैट हियर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ फंक्शन, दिस वन e to the power minus 3 ut. Okay, so which type of function this one,
एनीवन? इस तरह का फंक्शन है ये, एक्स टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस थ्री यू टी, आई थिंक एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके, सो दिस वन इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड विच वन इज बेसिक द सिग्नल. दिस वन यू टी, यू टी इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा तुम लोगों पहले भी पढ़ा होगा कुछ बेसिक सिग्नल के बारे में, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट सब डिफाइन करते हैं. सो यू टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप इनपुट. ओके, सो एट टाइम टी इक्वल टू वन दिस वन विल बी डिफाइंड, दैट मींस वैल्यू इज योर वन. ओके, सो दिस वन इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से करते हैं ना, एक्स टी यहाँ पे आया, हम शो किए हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, ठीक है, दिस वन. सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, व्हेन योर टाइम इंक्रीजेज द वैल्यू विल बी डिक्रीजेज. ओके, सो दिस वन इज योर विच टाइप ऑफ सिग्नल, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. ओके, दिस वन इज योर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, फॉर दिस वन इज डिफाइंड फॉर ऑल टाइम ऑफ टी. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है, जो डिस्क्रीट टाइम इंटरवल पे किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो फंक्शन डिफाइंड होता है, नहीं? यस सर. किसी पार्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पे वो फंक्शन डिफाइंड होता है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स और मे बी कैपिटल ब्रैकेट एन. ओके, दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल. एनी फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल यू विल रिप्रेजेंट बाय द एक्स कैपिटल ब्रैकेट स्मॉल एन. ओके, अब हम लोग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक्स टी से, ठीक है, तो वही टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें, हम लोग एन से, ठीक है. एंड सेम यदि फंक्शन को रिप्रेजेंट करें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, तो क्या होगा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि एक्स एन को हम टी के जगह एन से रिप्लेस करेंगे. ओके, एंड ई टू द पावर जहां पे टी है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे. सेम फंक्शन को यदि हम लोग रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं डिस्क्रीट टाइम फंक्शन में, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, तो जस्ट रिप्रेजेंट करेंगे एक्स कैपिटल ब्रैकेट एन, जनरली कैपिटल ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करता है लोग, और मे बी यू मे बी फाइंड आउट समवेयर इन स्मॉल ब्रैकेट ऑल्सो. ओके, सो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. और सेम फंक्शन को हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसको हम लोग मैग्नीट्यूड शो करेंगे. यदि यहाँ पे एन की जगह पे यू टी की जगह, एन की जगह पे यहाँ पे हम लोग कितना पुट कर रहे हैं, वन पुट कर रहे हैं, कितना होगा वैल्यू, ई टू द पावर माइनस थ्री, नहीं? हेलो, यदि एन इक्वल टू वन टू से रिप्लेस करते हैं कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू वन पुट करते हैं ई टू द पावर माइनस थ्री, नेक्स्ट के लिए कितना हो जाएगा, एन की जगह टू, ई टू द पावर माइनस सिक्स. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. तो ये रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, डिस्क्रीट टाइम और कंटिन्यूअस टाइम? नो सर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वही थोड़ा सा पिछले क्लास में थोड़ा सा कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम होता था, उसको रिवाइज कर दिया आज थोड़ा सा ओवरव्यू, ठीक है. नेक्स्ट इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन. सो नेक्स्ट वन इज योर ऑड टाइप फंक्शन एंड इवेंट टाइप फंक्शन. ओके, थर्ड वन इज योर इवेंट टाइप एंड ऑड टाइप सिग्नल. कोई भी सिग्नल को इवन हम लोग कब बोलेंगे और ऑड कब होगा वो, तो इसे एक फॉर्मूला है या जस्ट डिफिनेशन है कि एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल दैट मींस एक्स टी इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ व्हेन यू रिप्लेस टी बाय माइनस टी एंड वैल्यू विल बिकम्स योर
equal to xt, then function is known as event signal. यदि t के जगह पे हम लोग कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें t के जगह यदि हम लोग माइनस t पुट करें और वो इक्वल हो जाए किसका, xt का, दैट सिग्नल इज नोन एज द इवेंट सिग्नल. ओके, एंड व्हाट इज ऑड सिग्नल? ऑड सिग्नल इज नथिंग बट व्हेन यू t रिप्लेस बाय माइनस t एंड वैल्यू विल बिकम्स बाय माइनस equal to minus xt, then it is known as the odd function. तो हम लोग किसी भी function को check कैसे करें कि कोई भी, suppose करो कि एक तुमको check करने के लिए दिया हुआ चार पांच function दिया हुआ, then you have to just check which function are odd and even. So just you have to put this value, and when you get this value equal to x minus t equal to minus xt, then function is said to be odd function. एंड x माइनस t इक्वल टू यदि एक्स टी हो जा रहा है तो फंक्शन इज योर इवेंट फंक्शन. इसको कोई चेक करने में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है. तो हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं इवेंट फंक्शन और फंक्शन का. यू मे बी फाइंड आउट इन बुक्स मोर देन फंक्शन ऑफ इवेंट एंड ऑड. सो एक्स टी इक्वल टू सपोज दैट टी स्क्वायर माइनस 40. यहाँ पे ऑलरेडी हम रिजल्ट लिख दिए हैं. तो ये हम लोग कैसे चेक करेंगे? फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है एक्स टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 40. तो ये कौन सा फंक्शन है ये हम लोग चेक कैसे करेंगे? आइदर इवन है या ऑड है. टी के जगह माइनस टी पुट करेंगे. टी के जगह हम माइनस पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस 40. तो माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर. टी स्क्वायर माइनस 40 तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा कितना? एक्स टी का. सो एक्स माइनस टी इक्वल टू क्या हो गया? xt. That's why it is known as the event function. Is it clear? Hello. Yes, so similarly, you can check another function. That means xt equal to given to you 0.1 t to the power q. So just you have to replace the value of t by minus t, and you will get which one? X minus t equal to. यदि यहाँ पे minus t का whole q, that means कितना हो जाएगा? Minus t q. That means equal to क्या हो जाएगा? माइनस एक्स टी के बराबर हो जाएगा. x माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस एक्स टी. That's why it is known as the odd function. Is it clear? यदि इस तरह का फंक्शन रहे, थर्ड वन, सपोज दैट एक्स टी इक्वल टू ई टू द पावर 0.40. ये फंक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. नाइदर ये एक्स माइनस टी इक्वल टू एक्स टी आएगा, नहीं x माइनस टी इक्वल टू माइनस एक्स टी आएगा. ओके, यदि यहाँ पे x माइनस टी यहाँ पे पुट करें t के जगह पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? e टू द पावर 0.4 इंटू माइनस टी. तो ये तो एक्स टी के बराबर नहीं हो रहा है ना, ना ही ये माइनस एक्स टी के बराबर हो रहा है. दैट्स वाई इट इज नोन एज दी नाइदर इवेंट फंक्शन और ऑड नॉर ऑड फंक्शन. ओके, तो दिस इज दी some example of even and odd function. So is it clear to all of you? Yes. Okay, fine. So next one, we define the periodic and non-periodic signal. ये तो होना चाहिए ध्यान में. periodic signal किसको बोलते हैं, non-periodic signal किसको बोलते हैं? periodic signal किसको बोलते हैं? जो एक सर्टेन पीरियड के बाद रिपीट करे, जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट सेप या जो भी है मोशन को अपना रिपीट करे, दैट इज नोन एज द पीरियडिक फंक्शन. ओके, और यदि कोई अपना सेप अनडिफाइंड टाइम रिपीट करता है, आर्बिट्री टाइप का सिग्नल हो, दैट इज नोन एज द नॉन पीरियडिक सिग्नल. ओके, जस्ट यदि हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें, एग्जाम्पल तो पीरियडिक सिग्नल का, तो इसको हम लोग साइनसोइडल का फंक्शन का यदि हम लोग देख रहे हैं, तो उसका पीरियडिक टाइम कितना होता है? 2π. नहीं, आफ्टर ये 2π जो साइन का वेवफॉर्म है वो रिपीट कर रहा है. एक कंप्लीट साइकिल जितना टाइम लग रहा है, दैट इज नोन एज दी टाइम पीरियड ऑफ दैट पार्टिकुलर वेवफॉर्म. नहीं,
एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव फॉर्म. ओके सो ए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स टी इज सेड टू बी प्रेडिक्ट इफ देयर इज ए कॉन्स्टेंट दैट मीन्स टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स टी इक्वल टू एक्स टी प्लस कैपिटल टी. दैट मीन्स क्या हो रहा है वो टी टाइम के बाद वो रिपीट कर रहा है पीरियड. ओके सो दैट इज नोन एज द पीरियडिक सिग्नल. एंड डिस्क्रीट टाइप में पीरियडिक सिग्नल यदि रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो सेम चीज होगा. जस्ट टी के जगह क्या करना हम लोग को एन पुट करना है. ठीक है तो डिस्क्रीट टाइम में यदि हम लोग पीरियडिक फंक्शन को डिफाइन करना चाहते सेम चीज लिखना है. जस्ट क्या करना है तुमको टी के जगह एन से रिप्लेस करना है. दैट मीन्स एक्स एन इक्वल टू एक्स स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन. कैपिटल एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. ओके सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक सिग्नल. That means a discrete time signal xn is periodic if there is an integer constant that means capital N is your greater than zero such that xn equal to x small n plus capital N for all small n के लिए. ओके जैसे हम लोग साइन कितना लिख रहे हैं